आ गए आप? आज इतना लेट हो गया? अरे बैग तो दो, ऐसे ही लेके अंदर चले जाओगे? क्या हुआ, मूड ऑफ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर देखो। क्या हुआ, मैं तब से क्या ऐसे ही हवा में बात कर रही हूँ? सोई नहीं आ रहा अभी तक। 10:30 होते आ रही है। मैं क्या सो जाती हूँ? मैं वेट करती हूँ ना आपके आने के लिए। हाँ तो इतना लेट हो गया तो सोई नहीं। नहीं, इतना जल्दी कौन सोता है? तो आपको क्या हुआ, आप इधर देख ही नहीं रहे हो, अपना ही काम किए जा रहे हो? शूज निकाल रहा है यार, कैसे देख सकता हूँ? श्रुति क्या बातें कर रहे हो आप? तो इतना टाइम थोड़ी लगता है। अच्छा ठीक है, निकाल लो पहले। पानी लाओ। इतना टाइम कहाँ लग गया, ये तो बताओ। काम था कुछ, सारी बातें बतानी जरूरी नहीं होती। ठीक है, पर आज तो बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर भी लेट हो गए। बस मैंने बोल दिया ना एक बार, सारी बातें बताना जरूरी नहीं होती, तो बात खत्म है ना। अच्छा ठीक है, पानी लाओ। देख लो, रहने दो, वैसे पानी पीने की इच्छा नहीं है। और खाना खाया कि नहीं खाया? खा लेना चाहिए था, क्यों वेट किया अभी तक? हमेशा ही वेट करती हूँ। कॉल पे तो बताया था, कॉल किया था तुमने तो, जरा आपने लेट बताया था कि होऊंगा। थोड़ा लेट हो जाएगा, इतना ज्यादा थोड़ा मतलब तो 8 बजे तक तो आ ही जाना चाहिए था। काफी मतलब जरा काम था तो लेट हो गया। दोबारा मैसेज कर देते। ये कब से वेट कर रही हूँ, मैं कॉल भी कर रही हूँ, नहीं उठा रहे हो। श्रुति यार, क्या हो गया? तुमसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं ठीक से। बॉस क्यों, क्या हुआ, बॉस ने डांटा? और तुम्हारे आई कांटेक्ट का क्या मतलब है, जरा बताओगे तुम मुझे? अरे कोई कनेक्शन नहीं, मैं बस बोल रही हूँ ऐसे कि क्या हो गया। कैसे बताओ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बाद में बताना, अभी खाना खाने भूख लगी है। वैसे मैंने ना आज आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, को पनीर पसंद है ना, पनीर बनाया मैंने, पूरा ठंडा भी हो गया होगा, मुझे गर्म भी करना है। कितनी अच्छी हो यार तुम, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार? क्या किया आपने? मैं उतनी शर्म आ रही है आज की यार, तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? पार्टी करके आए हो वापस फिर से? शायद करके आता, उसके लिए तो तुम मुझे माफ भी कर सकते थे और मुझे इतना बुरा भी फील नहीं होता। मतलब श्रुति, मैं हुआ है? मम्मा सही बोल दी तुम्हारी, पता है मैं ठीक लड़का नहीं हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने नहीं सुना। और सच में मैं ठीक लड़का नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, वो तो मुझे पता है, पर आप इतने सैड क्यों हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो गया ना लेट, ठीक है हो गया। तुम पता भी क्या हुआ है, क्या हुआ है? तुम सोच भी नहीं सकते ये सब हो गया यार, मतलब तुम्हें कैसे बताऊं मैं? बॉस ने निकाल दिया क्या? कोई बात नहीं ना, दूसरा ढूंढ लेंगे। देख लो, मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, 2 मिनट में तुम सोल्यूशन निकाल लेते हो, है ना?
2 सेकंड भी नहीं लगते हैं ना। हाँ तो क्या हो गया, दूसरा ढूंढ लेंगे, और हमारे लेकिन पास इसके सेविंग्स भी बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जरूर सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो जो बातें बताऊंगा ना अभी, इसके लिए जरूर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि धीरज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुम भी कुछ शौक हो जाओगे और मैं तो कुछ शौक हो चुका हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे से नजरें भी पर कैसे तुम मिला सकता। शौक हो चुके हो तो आपने फिर वो चीज किया ही क्यों, जो भी किया मुझे क्या पता। इंसान ना पता है तुम्हें, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी वो सारी गलतियां कर देता है। उसे पता है गलत हो रहा है लेकिन वो करते जाता है। लेकिन जब वहां से हट जाता है ना, तो उसे लगता है कि नहीं यार, सच में बहुत गलत हुआ है। आज भी मेरे साथ गलती ऐसे हुआ गलती है। क्या है मुझे बताओ पहले। एक प्रॉमिस तो कर दो यार क्या प्रॉमिस करना है? यार कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ये बात सुनने के बाद। ऐसा भी क्या करके आना जिसकी वजह से मैं आपको छोड़ दूंगी। पहले एक प्रॉमिस कर दो यार। बाद में सुनने के बाद ही कर सकती हूँ मैं। मेरे से कितनी भी बड़ी गलती जो तुम मुझे माफ तो कर दोगे ना शुरू थी, या नहीं करोगे माफ? किसी का मर्डर करके आए हो क्या? मर्डर से भी ज्यादा शायद कर चुका होता। जुआ खेल के आए हो क्या? पक्का शायद कर चुका होता, जुआ खेल के आए हो क्या? ना पूरा घर वाल लूटा दिया क्या? मतलब शायद खेल लिया होता है। हाँ वो आपको लूट मुंह जो देखे ना मुझे हंसी आ रही है, कितना ही मैं आपको देख रही हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले जा रहा हूँ। भांग पी के आए हो क्या? असल में यार अभी, क्योंकि बाद में बहुत बुरा लगने वाला है तुम्हें। अच्छा बोलो, ठीक है मैं एकदम शांत रहूंगी। देखो मैं ना बातें घुमा नहीं सकता तुमसे, और तुमसे नजरे से नजरे नहीं मिला सकता। तो इसलिए मैं नीचे मुंडी डालकर तुम्हें जो सच है वो बता देता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में बात नहीं बचने वाली। और मुझे काफी बुरा फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे किया। जो लड़की मेरा इतना ख्याल रखती है, जो लड़की मेरे से इतना प्यार करती है, जो लड़की मेरे ऊपर इतना भरोसा रखती है, उसका मैंने भरोसा तोड़ा है श्रुति। उसका मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। क्या करके आए हो बताओ ना, उन्हें ऊपर देख के बताओ, नीचे नहीं। जब करके ही आए हो तो नीचे देख के क्या होगा? पायल पता है मेरी फ्रेंड, हाँ पता है, उसकी गाड़ी खराब हो गई तो तो उसे गाड़ी ठीक कर रहे थे इतना देर। गाड़ी खराब हो गई तो फिर उसने बोला, मतलब उसने बोला कि उधर ही जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। तुमने ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो घर पर ही छोड़ देता हूँ। तो घर पर छोड़ देता हो तो उसने बोला धीरज चाय पी करते जाओ, मतलब फिर चले गया यार, चाय चले गया चाय पीने। उसके तुम्हें तो पता है घर पर कोई नहीं रहता है, ये बात पता है तुम्हें। हाँ तो फिर क्या हुआ? उसे उसे घर गया है फिर? चाय बनी अनु लेकर आई फ्यूचर में, उसको मना नहीं कर पाया, मतलब वो आकर हक कर लिया है। क्या हो गया? चाय पी लिया तो पी लिया से घर में, इसमें तुम्हें इतना सोच रहे तब से। कोई बात नहीं, घर पे चाय मच गया हमारा, ठीक है ये सोच लो। सुधी यार उससे चाय लेकर आई और मुझे आकर हक कर लिया, एंड उसके बाद मैं उसे मना नहीं कर पाया यार। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ फिर, बता नहीं सकते यार। मतलब सब कुछ होने के बाद मुझे रियल एक मिनट फिर से बताना क्या हुआ। चाय लेकर आई एंड उसने आपको चाय दिया, मुझे हक कर लिया क्यों कर दिया बेफालतू तो ऐसे ही? एंड उसके बाद तो जब उसने हाँ कर दिया तब उसको हटाया नहीं? उसके बाद किस भी किया
एंड उसके बाद मैं उसे मना नहीं कर पाया। उसके बाद जो भी हुआ, इसके बाद मुझे भी बताने की हिम्मत है ही नहीं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। लेकिन जब सब कुछ हो चुका था, तब उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने। मुझे नहीं समझ आया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्या बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो सब कुछ हो गया शुरू थी जो नहीं होना चाहिए था, बस समझ जाओ। और ये बातें सारी ना मैं मेरे दिल में नहीं छुपा सकता था यार, क्योंकि जो लड़की मेरे ऊपर इतना भरोसा रखती है, मैं उससे ये बातें सारी कैसे छुपा सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मैं मना ही नहीं कर पाया उस पॉइंट पर, मुझे कुछ समझ मना नहीं आ नहीं रहा कर कि... पाए कि क्या मतलब है कि मना नहीं कर पाए? क्या आपने कुछ पिया था? क्या उसने कुछ पिया था? उसको हटा सकते थे ना, रोक सकते थे ना, स्टार्टिंग में ही। काफी दिन से एक ही डायलॉग मार रही थी, मुझे लगा मजाक है। बेस्ट फ्रेंड एक्स्ट्रा बेनिफिट, बेस्ट फ्रेंड एक्स्ट्रा बेनिफिट, चाय एंड। नहीं समझ आया यार क्या हुआ, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करके आया हूँ, एंड ये तुम्हें सारी बातें मैं कैसे बता सकता हूँ खुद से, मुझे खुद अभी समझ नहीं आ रहा है। तुम रो मत यार प्लीज, मतलब इतनी हिम्मत करके मैं तुम्हें सारी बातें बताई। मुझे ये बता रहे हो, और मैं इस चीज के लिए वेट कर रही थी कि कब मेरा पति आके ये बोलेगा कि वो किसी और लड़की के साथ था। प्लीज सुजी, मतलब रो मत यार प्लीज। दूर रहो मुझसे, टच करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी श्रुति, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने प्रॉमिस नहीं किया। कब किया? मैंने प्रॉमिस बोला ही नहीं। प्लीज श्रुति, मैंने इतनी हिम्मत करके किसी भी तुम्हें, चीज से अब कुछ नहीं बदल जाएगा। मैंने इतनी हिम्मत करके तुम्हें सारी बातें बताई, एंड तुम रो रहे हो ऐसे। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है। मुझे नहीं पता, रोना तो मन कर दो, दूर रहो मुझसे, आत्मा करने की भी कोशिश मत करो। अरे रोना तो बंद करो। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो, वहां पे थे ना उस लड़की के साथ, तब सोचना चाहिए था। अरे रोना तो बंद कर दो, क्योंकि मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करने की बात होती है। सॉरी, मुझे इधर छूने की भी कोशिश मत करो। आओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो, नहीं, अच्छा मेरी बात तो सुनो। ये मजाक नहीं है, ये सब सच है। जो कि मन में था वो आपने बताया आज। अरे प्रैंक था यार, मुझे सब पता है। अरे किन्ना थे लो यार, फोटो देख लो, से तुमने बात कहा करने गया की था। जरूरत नहीं है, मैं अपने अरे घर जा यार, रही हूँ। अरे मुझे ये रिश्ता ही नहीं रखना। श्रुति, अब जाओ उसके साथ, जिसके साथ जो मर्जी आ करके आए हो ना, उसके साथ शादी कर लो। जाओ, अरे मेरी बात तो सुनो, ये बदला, तुम भी तो मेरे साथ काफी बार प्रैंक करते हो, तो आज मैंने कर लिया तो उसमें क्या हुआ। हाँ ये प्रैंक करने का टॉपिक नहीं होता है। तो काफी दिन से पता नहीं मस्ती इंसान को में, कितना हर्ट होता है इस चीज से।
तो सॉरी ना, प्रैंक मुझ पर ही भारी गिर गया यार, चिल्ला रहे हो बिन बात के। नीचे के इसमें बात नहीं थी। नहीं थी बात, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कहा गया था, तुम इस प्रूफ देख लो, फोटो देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना। अचानक बॉस ने घर पर लेके चले गए, मैंने बॉस का फायल कर दिया। चल ये कर, गंदी गंदी सोच, बॉस ने कुछ नहीं किया मेरे साथ, ठीक है। अरे हंस भी लो, इतना खतरनाक जोक मारा। मुझे बात नहीं नहीं करनी, मैं जा रही हूँ सोने। खाना होगा तो अच्छा खा लेना, जो मेरी मन में है बात, वो कर लेना। अरे मैं मेरी जा मेरी रही हूँ सोने, मुझे बात बात नहीं करनी। अच्छा मेरी बात श्रुति श्रुति सुनो मुझे नहीं सुनो, सुनना। अच्छा मेरी बात तो सुनो। यहाँ बहुत मजा आता है ना मुझे रुला के। और अच्छा तो पता सॉरी है, ना, हर एक प्रैंक में मुझे रोना आ जाता है, फिर भी करना जरूरी है। तो सॉरी ना, माफ भी कर दो अब। सीधे सीधे तुम सॉरी, पक्का कभी ऐसा प्रैंक नहीं करूंगा जिससे तुम्हें रोना ये पड़े। हर बार बोलते हो, हर प्रैंक करने के बाद भी यही बोलते हो कि दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा से वही चीज करते हो। अरे ऐसा प्रैंक बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि जिससे तुम्हें रोना पड़े और मुझे हंसना पड़े। हंसेंगे तो साथ में, अब रोएंगे तो साथ में। अरे तुम काफी चेक कर देते ना, पहले पहलो। पर मैंने शक में कभी ये नहीं बोला, कभी ये नहीं सोचा कि आप ऐसा करोगे। मैंने तो सोचा, मैंने तो कर दिया प्रैंक ना, पायल का ही इतना टॉपिक चल रहा था फिर मतलब अब। आप पायल के बारे में ऐसा सोचते हो ना, आपके दिमाग की जो अरे चीजें थी वही बाहर आई। मतलब अरे आप ये नहीं, चाहते थे, तो मन में ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं चाहता था मैं ऐसा, ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझे सब पता है, चाहते थे इसीलिए आया। वो उसका ही नाम आया और किसी का नाम नहीं आया। अच्छा बाबा सॉरी, खाना खिला दो, भूख लगी काफी। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाना नहीं देने वाली। तो आपको सॉरी ना, खाना माफ है, कर खुद दो। को ले सकते अच्छा मैं मुर्गा बन जाऊंगा लगे तो बेडरूम में, और कुछ हो। और कहीं क्या भी जाके चाहिए। मुर्गा बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा माफ कर दो, हस्बैंड माफी मांग रहे तो। को लगता है माफी को माफ करने का टॉपिक नहीं है लेकिन माफ तो कर सकते ना, क्योंकि भूख लगी है, खाना खाए मैं झगड़ लेना और फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। है? मैं खाना दे दूंगी, खा लेना। अच्छा सुनो तो, अब बाकी क्या है सुनने को? प्रैंक भारी गिर गया मेरे ऊपर ही, नाराज हो गई है तो, है ना। क्यों हंस लो, जरा हंस लो ऐसा कोई स्लो। प्लान करता है? मैं पता भी मुझ पे क्या बीत रही थी, मुझे कैसा लग रहा था। बुरा लग रहा था, सिंपल सी बात है। जब मैं करता हूँ तब कैसा लगता है? तो बहुत बुरा फील होता है सीरियसली। मुझे भी तो लगेगा ना सेम चीज। ये तो सॉरी ना, ऐसा प्रैंक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी 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 सॉरी, आके मुझे करो अब भी, जल्दी जल्दी, फास्ट नहीं, फास्ट 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 फास्ट। अब ठीक है।